हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, ओवरवेट के बारे में। ओवरवेट आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा उनका वजन है, हम उनको ओवरवेट कहेंगे, मोटा नहीं कहेंगे, ओवरवेट कहेंगे। तो आप ये समझ लो कि ओवरवेट वो है और तरह तरह की दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हर तरीके से उन्होंने कोशिश कर लिया लेकिन वजन कम नहीं हुआ। तो इस वीडियो को अगर आप 2-3 मिनट देख लोगे तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा कि आदमी मोटा कैसे होता है और वजन कैसे कम करना है। खासतौर से औरतें भी इस चीज इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उनका भी वजन कम हो। वो भी एक गलती बहुत ज्यादा करती है जिससे उनका वजन बढ़ता है, और मेल में भी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं जिससे उनका वजन बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको जानना कि आप अगर कोई काम नहीं करते हो, आप आराम से ऑफिस में जाना है, बैठना है, तो आप 1600 कैलोरी पर डे आपको चाहिए, 1600 कैलोरी आप कंज्यूम करते हो आपको चाहिए। अब आपकी अगर कैलोरी का जो इनटेक है वो अगर आपका कंजम्पशन 1600 है, अगर आप उससे कम लोगे 1400 करोगे तो फिर आपका 200 कैलोरी आपकी बॉडी इस्तेमाल करेगी। तो इस तरीके से आप पर डे 200 कैलोरी कम ले रहे हो तो आपका वजन उससे कम होता चला जाएगा। या फिर आप एक्सरसाइज करके आप 1600 कैलोरी ठीक है आपका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप कंजम्पशन आपका 1800 है, लेकिन आप एक्सरसाइज करके मेहनत करके अपनी 500 कैलोरी पर डे आप लॉस कर रहे हो, तो आप तब भी 300 कैलोरी आपकी बॉडी से जाएगी। इस तरीके से आपका वजन कम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आपको अपनी जबान पे कंट्रोल करना है ताकि आपका इंटेक ना बढ़े, कंजम्पशन आपका जो इंटेक आपका है, जो कैलोरी आप ले रहे हो वो आपका ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर आप एक सिंपल सी एक जलेबी खा लेते हो तो आपको उसमें 200 कैलोरी मिलती है, जिसको आपको खत्म करने के लिए, जिसको जलाने के लिए आपको कम से कम 45 मिनट के लिए वॉकिंग करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, साथ में आपका इंटेक ज्यादा रहेगा, आप खाना ज्यादा खाओगे, तरह बाहर निकल के कुछ कुछ खा लोगे, इधर उधर कुछ खा लोगे, तो उससे क्या है कि आपको तरह तरह से कैलोरीज मिलती रहेगी, तरह तरह से आपके बॉडी में ताकत आती रहेगी, बॉडी आपकी खर्च कर रही, लेकिन खर्च से ज्यादा आप बाहर से ले लेते हो। तो दो सूरत में आपका वजन कम हो सकता है। पहली सूरत यह है कि आपका जो कंजम्पशन है, जो आपका इंटेक है, इंटेक जो है वो आपका कम हो, इंटेक आपका कम हो। अगर आपको जरूरत 1600 कैलोरी की है तो आप 1400 कैलोरी लीजिए, 200 कैलोरी अपनी बॉडी से उसको दीजिए। या फिर आप एक्सरसाइज करके, आप ज्यादा मेहनत करके, आप ज्यादा काम करके, आप साइकिलिंग करके, आप वॉकिंग करके, जॉगिंग करके आप कैलोरी को ज्यादा बर्न करिए, ताकि आप अगर 1800 कैलोरी पर डे ले रहे हो तो आप 500 कैलोरी 400 कैलोरी आप एक्सरसाइज करके अपनी खत्म कर रहे हो, उससे क्या है कि आप 200 कैलोरी आपकी पर डे जाएगी। या 100 मतलब आपका जो इनटेक है वो कम होना चाहिए, आपका जो खर्च है वो ज्यादा होना चाहिए, तब आपका वजन कम होगा। औरतों में क्या है कि वो घर में खाना बच गया उसको ज्यादा खा लें, या खा पी के आराम से घर में बैठ गई, इसकी वजह से भी उनका वजन बढ़ता है। तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा एक्सरसाइज करें, खाने पीने का अपना ध्यान रखें, और ज्यादा खाना ना खाएं, बार बार जबान को अपने जबान को लगाम में रखें, तभी जाके आपका वजन कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका कंजम्पशन कम होता जाता है, आप आराम से बैठते हो, आराम से रहते हो, काम नहीं करना पड़ता है, उसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ता जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।